मैंने फिल्म देखी है, वास्तविकता के नज़दीक फिल्म है। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं और विदेश ताकतें जिस तरह से आतंकवाद को भारत में फैलाती है, आतंकवाद का एक दूसरा रूप इस पिक्चर में उजागर हुआ है। और मैं सार्वजनिक तौर से निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ और सभी को आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। यह वास्तविकता के नज़दीक है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाली फिल्म है और इस तरह की फिल्म का स्वागत होना चाहिए। एनसीपी आपके राज्य की पार्टी है, आपकी विपक्षी पार्टी है, वो तो कह रही है कि वास्तविकता से बहुत दूर है। जिस तरह के जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं वैसे कोई आंकड़े नहीं है, और अगर इतनी लड़कियां पिछले कुछ सालों में यहाँ से चली गई तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? एनसीपी की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं। फिल्म अपने आप में जवाब है और जो फिल्म को प्रतिसाद मिल रहा है वो भी एक उसका जवाब है कि फिल्म में वास्तव में कितनी सच्चाई है। यह फिल्म आने वाले समय में महिलाओं को और सारे समाज को इस बात के लिए आग्रह करेगी कि किस तरह से इस छुपे हुए षड्यंत्र की बलि नहीं पड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तो इस पर बैन लगा दिया गया सर, इस फिल्म पे। यह महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहां पर बैन लगाने की बात सोची भी नहीं जा सकती है, यहां पर केवल स्वागत की बात सोची जा सकती है ऐसे विषयों को लेकर। लव जिहाद को लेकर आप काफी बोलते रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार भी उसको लेकर काफी सोचती रही है। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म जो है वो वास्तविकता को उजागर करती है, और लव जिहाद जिसके बारे में बातें हो रही थी वो एक तरीके से फिल्म के जरिए अब लोगों तक तो पहुंचेगा, उसके असलियत पहुंचेगी? मैंने पहले ही बताया फिल्म वास्तविकता के नजदीक है, लोगों को इसको देखना चाहिए। धन्यवाद।